हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बहुत बधाई छू। ये पर्व बेहद खास होता है हम सभी के लिए। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है दगड़ियों, काफी अच्छा दिन व्लॉग बनाने के लिए। और मैं नहा धो के बिल्कुल चक्कर करने हो गया हूँ दोस्तों, नमन्नो। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने ऊपर वाले भवन से नीचे वाले भवन में। हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, थाम के ये चरण, ना 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 ना। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। दगड़िया मर अकल कुड़ बहने तब जाए बेटी फूल सुरक्षित छन। अगर यही फूल हल्द्वानी में आपने लगाए होते ना, एक न बचन फूल कुड़ा तुम पातला न बचन दगड़ियो। क्योंकि वहां पे आप चाहे अपने घर के सामने कितनी लंबी दीवार, चार दीवारी लगा दो, तब भी जो मॉर्निंग वॉक वाल उन्हीं ने ऐसी लंबी लंबी पे तुम्हारा फूल चोर कर दी। तो इसलिए वहां पे फूल नहीं बचते दोस्तों, फूलों की बड़ी किल्लत है। पहली बार मैं ये भैर का देखी नहीं बहना, पहली बार मैं ये सोचने भी हूँ फ्रिज में सिर्फ दूध धरन नाल, पनीर धरन नाल, पानी धरन नाल। अरे योर नकारा फ्रिज में फूल ना धरनी यार, बताओ। इतनी किल्लत है बाहर को दगड़ियों। तो मॉर्निंग वॉक वालों प्लीज अपनी सेहत बनाओ, ठीक है नी। अपना जो शरीर है वो फूल जैसा बनाओ, एक्टिव बनाओ, लेकिन दूसरों के फूलों को मत चुराओ। नमस्कार, ठीक ठाक जी, कार्तिक पूर्णिमा बहुत बहुत बधाई हो तो धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा बधाई छो दगड़ियों। आज हमारे पहाड़ में जाग जागला कौतिक लागनी, तुम्हारे वहाँ कौतिक लगता है नहीं लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे वहाँ तो लगता है, तो हाँ लीक सीख चढ़ती है जो कौतिक जहाँ पे लगता है वो मंदिर स्थलों में ही लगता है हमारे पहाड़ों में ना, मंदिर के प्रांगण में कौतिक लगता है। तो अशी ये लीक सीख चढ़ाने वाले सुबह ही चले जाते हैं, जैसे अभी हमारा नीरज चला गया है। आज मैं आपको कौतिक भी ले जाऊंगा और अपनी नजर से आपको मेला दिखाऊंगा दोस्तों, और तुम्हारी जी कौतकी बांध ले लूं, ठीक है ना। तो लीक सीख चढ़ाने की भी एक परंपरा होती है हमारे पहाड़ों में, जो नया अनाज होता है दोस्तों, जैसे कि अभी धान कूट रखे थे हमने कल, जैसे कि अभी हमने धान कूट रखे थे दोस्तों। तो वो सीख ले जाने भाई, दिया बत्ती, तेल, अगरबत्ती सब चढ़ोने भाई, बेट घाट और म्याल लागू, धूल हाल देवता हाल। तो वहाँ पे सभी चीजें होती है दोस्तों, मंदिर में आरती होती है और आज स्नान का भी बहुत महत्व होता है। मैं से गंगा स्नान की जानी, ठीक छो ने। हमारा यहाँ घर में स्नान करना मुश्किल है रहो, ये तो ठंडा है रहो, लेकिन हमने नहा लिया है दोस्तों सुबह सुबह गर्म पानी से। थोड़ा में गंगा जल मिशा देने मामा, गंगा जल घर में गंगा है जाने भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन श्रद्धा से हो। और दूसरी चीज दोस्तों, आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे क्या कहते हैं वो सिख भाइयों का भी एक गुरु पर्व होता है, गुरु नानक जयंती आज है दोस्तों। जो स्कूल में जो गेजेटेड छुट्टी होती है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से ही होती है, गुरु नानक जयंती के नाम से होती है। तो उनका भी आज अवतरण दिवस है। और साथ में दोस्तों ये जो पर्व है, इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्या अवतार लिया था। एक धार्मिक मान्यता ये भी है दोस्तों कि इसी दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या कुछ ऐसे इस टाइप से भी कहा जाता है। तो दो तीन जो फैक्ट है इस त्योहार से जुड़े हुए वो मैंने आपको बता दिए। पापा अभी आप देखो यहाँ पे क्रीम पाउडर लगाते हुए, ये 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 आप जाओगे नी कौतिक? कौतिक तो हो गया, आप क्या करोगे घर में? मैं बांध रहा हूँ। तो दगड़ियों ये भी एक पहाड़ों पर दिक्कत है, सबके सब मतलब खोया नहीं जा सकते हो आप पहाड़ों से, ठीक है। शहरों में तो क्या होता है, कत्ती नुमाइश लागी तुम्हें लगाए ताई, ठीक है ना, बुढ़बाड़ी का भिटेर गोठाई और अपन हिट जाए सिद्ध वहां की नजर नुमाइश में। यहाँ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ बुढ़बाड़ी को गुठा के क्या करोगे, बुढ़बाड़ी तुम्हारा कर जा घर उड़ जाने फिर यकार ने। और साथ में यहाँ इतने बंदर आते हैं दोस्तों, नारिंग हरी, माल्टा हरी, नींबू हरी, तो ये तो खरपट कर देंगे, ठीक है। वहां कौतिक जाने के चक्कर में हमारे घर का कौतिक उजाड़ देंगे ये, तो इसलिए एक बंदे को घर में रहना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों पहाड़ों में। गुरबाज गुरबाज गोट से आते हुए, ये देखिए ये दोस्तों लल्लू की मम्मी लाली,
अभी देखो दोस्तों कीड़ी भी आएगी, यहीं से आएगी कीड़ी। वो कीड़ी, कीड़ी किसी सब दोस्तों कीड़ी किसी भी समय आ सकती है, आप बस कैमरे में नजर बनाए रखें। वो अपनी मम्मी के साथ ही आएगी। कीड़ी 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 आ गई, कीड़ी आ गई, ये। अब तो हमने कीड़ी को बांधना भी शुरू कर दिया है, बहुत शैतानी करने लग गई थी। वो कीड़ी कीड़ी वो कीड़ी वो कीड़ी वो कीड़ी कौतिक जाली कौतिक जाली कौतिक जाली कीड़ी कौतिक जाली कीड़ी कीड़ी। डिंपल क्या करता है बोल रहे हो आप? अरे सुबह उठता हूँ मैं ना 4:30 बजे, वो भी उठ जाता है। अच्छा, जब तक मैं फ्रेश नहीं होता हूँ यहीं पर बैठा रहता है। अच्छा, जब देखेगा कि अभी फ्रेश हो गया, फुर्सत में हो गया, फिर दूध मांगने शुरू हो जाए, उससे पहले नहीं मांगता है दूध। बताओ बच्चिया को देख रहे हो, ये फ्रेश नहीं लग लिया कहीं आज में? बताओ, अगर कोई घर में नहीं होगा तो, अगर ये पलट गया मान लो, हाँ ऊपर था तू चर आओ तू। ये देखो दोस्तों चर रहा है यहाँ पे जाके, ये इसको नीचे कर दो। लल्लू केला खाने लगी जब मम्मी है ऑर्डर करी कर, ऐसे ये यहाँ से फाव मारने की जरूरत नहीं है नीचे को, ठीक है लल्लू? ले खा इसको खा, ये भी हरी घास है, ले ये तो बढ़िया झाड़ है रोयो, ले खा, शाबाश गुड। वो कीड़ी अब ठीक भी हो, कीड़ी मुतड़ा है ब्राइटनेस बढ़ा दे। वो छोटी बकरी का कीड़ी कीड़ी छोटी का कीड़ी लक्की लक्की इस बार नमस्ते नमस्ते बेटे कैसे हो? इस बार हिलवान नहीं हुआ बंदा, लक्की रखने का विचार था हमारा उसका। लड़की हो गई। यहाँ पे लक्की को कीड़ी दिखाते हुए ये देख पाली बाकली में फूल खिले। ले उधर उधर दोनों को दूंगा पहले ये सीनियर है। अरे भाई दोनों खा गए तो एक साथ ही आज बड़ी। इसको क्या टपटपाट पड़ गया देखो। तेरे को जब मैं खाना खा लूंगा उसके बाद दूंगा, ठीक है? फिलहाल तू झाड़ खा। ये इसको कैसा टपटपाट पड़ा। ये देखिए दोस्तों पूरी ख्वाब आहा। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने अग्रज श्री विनोद जी से भी आपको कुछ शुभकामना संदेश अगर आप प्रेषित करना चाहें तो। सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर्व के बारे में? पर्व के बारे में क्या बोलो, पर्व के बारे में तू बोल। पूरे देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। ये है दोस्तों पहाड़ी बाखली के मोदी, इन्होंने अपने अभी देश के नाम संबोधन किया। अब निर्मला सीतारमण से आपको मिलाता हूँ। ओमी समस्त देशवासियों के नाम कार्तिक पूर्णिमा का एक बधाई संदेश आप भेज दें सीधे पहाड़ी बाखली की रसोई से। पहाड़ी बाखली से सीधे कार्तिक पूर्णिमा की पूरे यूट्यूब परिवार को पूरे सब देखने वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबसे तगड़ा रहा निर्मला जी का। सर्दियों में आप यहाँ पक्का आना, पहाड़ी बाखली में रायता पूरी खा के जरूर जाओगे। और कुछ क्या लेके आओगे ये भी जरूर कमेंट करके बता। तो विनोद जी यहाँ पर पूरी बनाते हुए, क्या बात विनोद जी, बनाओ 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 खीर तुम्हें। ये सो गाइज अब मैं ऊपर वाले घर में जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, वहां से कौतिक जाएंगे। विनोद जी मेरे को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। विनोद जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं ये कह रहा हूँ कि यार बढ़िया का जाए, क्या कहा था कि खाए ना, ठीक है आराम से जाना मेला घूमना और टाइम से घर आना, ठीक हो गया। सो दगड़ियों मी तैयार रह गयी, आप देख सकते हैं मेरी कौतिक की ड्रेस ऊपर से नीचे आप देख लीजिए। और मेरे साथ आ रहे हैं दोस्तों कुणाल के पापा हमारे सुन्नीदा दगड़ियों। हम जा रहे हैं दोस्तों पैदल रास्ते, और वैसे यहाँ रोड भी जाती है दोस्तों, लेकिन क्या है कि अभी हमारा समूह निकला नहीं है तो कैसे जाएं आपको पता ही है ना, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर ऐसे गाड़ियाँ चलती नहीं है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप जा सकते हो, वरना फिर आपको अपने 11 नंबर की गाड़ी से जाना पड़ता है। तो ये रास्ता जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हम जा रहे हैं और ये रोड जाती है। तो कोई नहीं हम पैदल पैदल चलते हैं और
अपना वजन घटाते हैं दोस्तों, पैदल चलने के लिए इंसान पैसे देता है बाहर को, है ना, हमको फ्री में मिल रहा है पैदल चलने को और साथ में घूमने को कौतिक में। तो हमारे रास्ते में आने वाला पहला गांव दंतोला, यही हमारी ममता भौजी रहती है, इंग्लिश वाली भौजी रहती है, सब यहीं रहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों योगी भाई हैं हमारे, इनकी ये शॉप है और इनकी शादी हो गई है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपके ने ब्लॉग देखा था इनकी शादी का। ये तो मत दिखा असली फोटो, चले भी ब्लॉग नहीं है, ये ठीक ठाक है, सर्व बढ़िया, कार्तिक पुनी बधाई छो तुमने, कार्तिक ना होणिया अम्मा कार्तिक कार्तिक वहां में देखे बीमार के रह अच्छा तो घाम तापो तो शोट होने बैठो, घाम में बैठो, नेट बॉय ठीक ठाक है नहीं, ए बॉयर हु आ रहा है तुम्हारे कष्ट कर रहे हैं, तुम्हारी जी ठीक कर है, अरे बॉयर से मेरा है, अच्छा सेवा करनी हूँ, मतलब अरे सेवा करनी बॉयर से, हम क्या खा जी हम का दुकान पे लोनी है, हे दुकान मेरी भाई मैं खवाए, ए मैं ली ना फिर नहीं खाऊं, आप देखिए गाड़ी में जाते तो ऐसे आमा बुबू दिखते नहीं दिखते, खाली उल्टी वाली देखो, अगर हम रोड से जाते तो यहाँ से जाते, पैदल जा रहे तो ये जो ये कौतिक लगता है दोस्तों वो लगता है दसौली गांव में, ठीक है, तो पहले हाँ तो पहले हम भी दसौली में ही रहते थे दोस्तों, फिर जी भाई उन्होंने ना खचबच जाए ठीक है, तो मेरे जो दादाजी थे उनके जो चार पांच भाई थे वो उठ के यहाँ नीचे आ गए दोस्तों, तो उन्होंने अपना मकान यहाँ बना लिया, अभी भी हमारा पुश्तैनी मकान दसौली में ही है दोस्तों। गाइज लगभग आधे रास्ते हम आ गए हैं और अभी तक हमको एक भी बंदा नहीं मिला इस रास्ते में, ना आगे ना पीछे, सिर्फ हम दो ही जा रहे हैं, हाँ एक रीजन ये भी हो सकता है गाड़ी से चले गए होंगे, सब हमारी तरह गरीब थोड़ा है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों जनापुयो ताल में, तो दोस्तों ये जो ताल है इस ताल को कहा जाता है जनापुयो ताल, रक्षाबंधन के दिन जितने भी लोग जनेऊ की प्रतिष्ठा करने आते हैं वो इसी ताल में आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इस ताल का नाम दोस्तों जनेपुनियो ताल पड़ा। और इनके कूड़े बाड़े लूटे दिखने लगे हैं दोस्तों, तो दोस्तों चलते चलते शगुन हो चुका है, ये आ गई दोस्तों रोड, तो अगर हम गाड़ी से आते तो इतना फेरी के आते दोस्तों, बहुत लंबा पड़ जाता है, हम पैदल पैदल आए यहाँ से शॉर्टकट, तो ये जो रोड है दोस्तों ये मंदिर के गेट तक ही गई है, उससे आगे तक गई है, मैंने आपको लक्ष्मी माँ उखरानी वाले ब्लॉग में दिखाया था ना, तो ये वही रोड है जो आगे जाके लक्ष्मी माँ उखरानी में मिलती है। और ये देखिए आप बच्चे कौतिक देखने जाते हुए, बचपन में ना जैसी ढोल बजते हुए सुनते थे और वो पिपरी पिपरी की आवाज़ आती थी, हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे, दौड़ दौड़ के चले जाते थे, फिर अब आई गयो मतलब ना बाढ़ भपरीने वाला सीन भी नहीं रहता फिर।